पकड़ने सामने के राम राम। मैं आपको एक बात बताऊं हूं कि इस वक्त हजरत दिल खैर आबादी साहब हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, उम्र के उस दहाने पे हैं जो हम आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं, 50 प्लस हो चुके हैं। लेकिन यकीन जानिए आज भी ऐसा जज्बा है कि एक 18 साल के नौजवान से ज्यादा मजबूत आवाज, मजबूत लहजा और मजबूत जज्बे का हमल हजरत दिल खैर आबादी है। यकीन जानिए पूरी अदबी दुनिया में जिनको बड़े वकार के साथ लोग सुनते हैं, जिनकी शायरी के कायल हजरत राहत इंदौरी रहमतुल्लाह अलैह थे और हजरत दिल खैर आबादी के चंद मिसरे उनकी जुबान पर जद रहते थे, उस शायर का नाम हजरत दिल खैर आबादी है। चमेला की सरजमीन पर पहली हाजिरी आई है हजरत फरहान दिल माले गौदी के चार मिसरों के साथ। हजरत दिल खैर आबादी साहब का इस्तकबाल है कि हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर। हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर, और आका की गुलामी हमें महफूज रखेगी। आका की गुलामी हमें महफूज रखेगी। क्यों जान दबाऊं मैं सफीने से निकलकर और दुनिया के हर एक फूल को महकाया हुआ है खुशबू ने मोहम्मद के पसीने से निकलकर। नारे के साथ इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। बहुत बहुत मिसकाल मार रहे हैं आप लोग, आपकी आपका जवाब नहीं आ पा रहा है। अगर सब लोग मिलके नारा लगा दे खुदा की कसम माहौल बन जाए। एक मरतबा कोशिश करें सब मिलके, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत मुस्तफा, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, सरजमीन चमेला बाजार, आप हजरात के खूबसूरत सनातों के हवाले, हिंदुस्तान के दिल, नौजवानों के दिलों की धड़कन, हजरत दिल खैर आबादी साहब। आइए इंशाल्लाह पोस्टमार्टम उसका करूंगा मैं उन हजरात का जो इस मुबारक महीने में खुराफात के उस मीनार तक पहुंचते हैं, जिस मीनार तक पहुंचने के बाद जब गिरते हैं तो उनका ठिकाना कहीं खूबसूरत जगह नहीं, बहुत बुरी जगह होता है। इंशाल्लाह वहां तक मैं पहुंचूंगा। चार मिसरे से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करूंगा। शहदाए करबला और ये मेरा चार मिसरा आप तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। एक एक शख्स से गुजार हूं कि वो मेरी आवाज में आवाज मिला करके इस्तकबाल में सुभान अल्लाह कहेगा तो थोड़ा सा मजा आएगा, मुझे कुव्वत मिलेगी। आज तकरीबन 15-16 घंटे बिल्कुल जाग करके चार टुकड़े में मैं आपके यहाँ पहुंचा हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ करबला के हवाले से। सारे उलमा का तो नाम नहीं जानता, सब बहुत ही मोहतरम है अपनी अपनी जगह, तमाम लोगों की दुआएं चाहूंगा लहजा फरमाए। कलेजे से बोलेंगे तो इंशाअल्लाह मैं अपना कलेजा निकाल करके आपके कदमों में रख दूंगा। वापस से बोल रहे सुभान अल्लाह। तमाम हुसैनी तैयार हो जाना।
और हजरत मौलाना अब्दुल कलाम साहब दामन बरकातहू की खूबसूरत निगरानी में दिल खैराबादी तमाम लोगों को एक शेर पेश कर रहा है, नजर कर रहा है। हजरत असलम परवाना मुलाहिजा फरमाए, तारीखी बनाएंगे हुसैन, वो हुसैन जो हाय हुसैन नौज बिल्ला कह कह के मुझे हुसैन। आइए ये लोगों के लिए एक खूबसूरत पैगाम अल्लाह ताला तमाम लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए के कर बजा के जगत तारे नहीं बनाएंगे बैठे हैं हमारे यहाँ साइकिलों में इसको लगाया जाता है।
एक चीज बता, समझ लीजिए कि ये मैं इसकी की साइकिल कर बस पटरी मिलाने का काम इन उलमा इकराम का है। अल्लाह ताला इन उलमा इकराम की गुफ्तगू में वो तासीर अता कर दे ताकि ये आवाम सही तरीके से राह रास्त पे आ जाए। आइए हजरात एक मिसरा हाजिर करता हूँ और एक एक आशिके मुस्तफा आशिके हुसैन सच्चा हुसैनी जो होगा इसमें इंशाअल्लाह वो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मिसरे का इस्तकबाल करेगा। पेश करता हूँ लहजा फरमाने ये हजरत मैं देखिए मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं बहुत डरता हूँ और वो खुद कहते हैं कि दिल भाई नाम मत लिया कीजिए मगर हमारा फर्ज बनता है कि उस शख्सियत का मैं शख्स नहीं बल्कि शख्सियत कहूंगा किसी भी 100 किलोमीटर की दूरी में रहता हूँ खुदा ये पाक की कसम वो आंध्रा की सरजमीन पर हो चाहे कहीं और हो अगर उनको खबर लगी कि दिल खैराबादी आया है तो हजरत मौलाना मोइनुल्लाह साहब पूरे बिहार की तरफ से वो इनाम इतना ज्यादा दे देते हैं शुअरा को कि किसी को देने लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह ताला हजरत मौलाना मोइनुल्लाह साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए और ये मेरा मिसरा कबूल फरमाए। पेश करता हूँ बतौर खास नाम जान बुझ के नहीं ले रहा था मगर असलम भाई जो है मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ऐलान मत कीजिए वो 5000 से कम नहीं है मत कीजिए मत मैं मतलब हाजिर कर रहा हूँ। देखिए एक आलिम नवाज रहे हैं आलिम ने शायर को नवाजा चलिए ये तो समझ में आई आप लोग भी शायर को नवाजते हैं। जिस दिन हमारी कौम हमारे इमाम को जुमा के दिन कम से कम 20 रुपया तो दे दे ये कौम कहाँ चली गई। शायर को आप दे देते हैं 100 रुपया और ये फूल की माला जिस दिन हमारी कौम शायर को जैसे मानती है हमारे इमाम को अगर मानने लगे तो खुदा की कसम 100 जलसे कराने से बेहतर है कि सिर्फ एक जुमा की नमाज में वो फायदा मिलेगा। अहद कीजिए एक इमाम की तनख्वाह 5000-7000 बहुत अच्छे लोग हैं तो 10000 में कहां से परिवार चलाएगा वो। अल्लाह ताला इस पूरी उम्मत मुसलमा को वो अकले सलीम अता फरमा दे ताकि उस मौलाना उस इमाम की तनख्वाह जो 8000 है एक आदमी अगर 20 रुपया जुमा के दिन दे देता है तो 100 आदमी का कितना होता है 2000 रुपया तो 100 आदमी तो नहीं कम से कम ये ऐसी बस्ती है कि 200 आदमी एक जुमा में शरीक हो जाते हैं 4000 रुपया एक जुमा के दिन 4×16 16000 रुपया एक महीने में एक इमाम को देंगे 5000 भी अगर दिया जाएगा 16×5 21000 में वो जब दुआ देगा या अल्लाह हमारे गांव के जितने लोग हैं बीमार हैं अल्लाह उनके शिफा अता फरमाए तो आप में जो बीमार है वो अच्छे हो जाएंगे। शायर आया वाह वाह करके 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया लेके चला गया मैं नहीं याद करता और शायद आपको याद करते होंगे मैं हर जगह जाता हूँ अल्लाह ताला का करम है कि मुझे इज्जत मिलती है आप जैसे देते हैं और जगह भी मिलती है मगर हमारी कौम से यही अपील है शायरों को इनाम देते हैं हमारी कौम से गुजारिश है कि जो गरीब उलमा है उनकी कम से कम इयादत के लिए उनके लिए 20 रुपया जुमे के दिन अगर निकाल के रखे इंशाल्लाह आपके कारोबार में बहुत ही बरकत होगी। इंशाल्लाह अहद कीजिए तैयार हो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह मिसरा बड़ा हसीन है और पैगाम भी शायद ना किसी सही मगर ये पैगाम मेरा मकसद यही था कि मैं जहां भी जाऊंगा छोटे जलसा हो चाहे बड़ा जलसा हो ये छोटा सा पैगाम उन तमाम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है मेरी। मुलाहिजा फरमाए कि मेरे पास कौसर तैयार हो जाइए पेश करता हूं मुलाहिजा फरमा ले कि मेरे 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 पास हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह
नाराज हो लहजा फरमा ले कि मेरे साथ अच्छा लगता है मुलाहिजा फरमाया शेर सुनिएगा मौलाना असलम साहब मुलाहिजा फरमाया के नाम है उमर मेरा के नाम है और रौना सा तो है मौलाना इमाम साहब के नाम है उमर मेरा और सब है भारे और ये खुसूसी बात ये रहती है अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी रहमानी हमारे पास शरीयत रहते हैं वो कोई भी हो मुफ्ती सनाउल्लाह साहब मुफ्ती सनाउल हुदा साहब मुफ्ती सोहराब साहब हजरत मौलाना वसी साहब जितने भी इमारत के हैं खुदा की कसम अल्लाह ताला ने इमारत में जाने के बाद ऐसा लगता है कि उनको अजीब अजीब इल्म से नवाजता है अल्लाह ताला इमारत के तमाम सिपाहियों की खिदमत को कबूल फरमाए और ये मेरा शेर तमाम इमारत के उन उलमा तक पहुंचाता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए सजैन वाला कौन होगा आइए पेश करता हूँ कि मैं हुसैन वाला हूँ मेरे पास है सजदा